मंडी में बाव वर्सेस बाप तो बताओ, ये जुबान संभलती क्यों नहीं? आज अड़ी में इसी पर बात करेंगे। सियासत की मंडी में क्या बदजुबानी की कीमत ज्यादा बढ़ गई है? वोट के लिए नेता किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रेत का एक भद्दा पोस्ट वायरल हुआ, तो बीजेपी ने नारी शक्ति का हवाला देकर इसे महिलाओं का अपमान बताया। सुप्रिया अपनी सफाई में कह रही हैं कि उनका सोशल मीडिया हैंडल कई लोग एक्सेस करते हैं और किसी ने उनका नाम खराब करने के लिए इस तरह की पोस्ट की, और वो इसकी जांच भी कर रही हैं कि किसने किया, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। तभी इसी बीच बंगाल में बीजेपी के सांसद और कद्दावर नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर एक विवादित बयान दे दिया और टीएमसी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। आज अड़ी में इसी पर मंडी में भाव वर्सेस बाप तो बताओ, नेताओं की ये जुबान संभलती क्यों नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं मंडी पर सियासी आर पार की स्थिति क्यों बनी हुई है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। कोई भी महिला का, कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानी के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शायना एनसी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, जैनब सिकंदर हैं, आरएलडी की प्रवक्ता, डॉक्टर मनीषा कायंदे हैं, शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता, रोशनी कुशल जायसवाल है कांग्रेस की नेता, डॉक्टर मानव जायसवाल है प्रवक्ता टीएमसी के, और मानवी तनेजा है एक्टर है। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगा जैनब, जिस तरह से यहां पर सुप्रिया श्रेत ने कहा कि मेरा अकाउंट कोई और एक्सेस करता है और उसने कंगना रनौत के बारे में ऐसा लिख दिया, और उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि अब तो यह देखना चाहिए कि इनका अकाउंट यहां से कैसे एक्सेस हो रहा है, एक महिला होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? सबसे पहले तो जो ये जो लिखा गया था कंगना रनौत जी के अगेंस्ट, इससे अभद्र चीज और इससे निंदनीय बात मैंने देखी नहीं है, वो भी इलेक्शन के टाइम पे ऐसे किसी के लिए लिखना, और वो भी एक महिला को महिला के बारे में लिखना, बहुत ही गलत बात है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैं एक व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताना चाहती हूँ आपको। पिछले 7 साल से मैं एक पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर टीवी पर आती रही हूँ, और मेरे काफ़ी ट्वीट्स हैं, मैं अपनी टिप्पणियाँ देती हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, एक कॉलमनिस्ट के नाते भी मैं काफी लिखती हूँ।
मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैंने मैंने बीजेपी की भी आलोचना करी है, आज मैं 2 महीने पहले आरएलडी में जुड़ी हूँ और हम एनडीए से जुड़े हैं, तो उससे पहले लेकिन मेरे 7 साल का जो सफर रहा है उसमें मैंने बहुत ही बीजेपी की आलोचना करी है, मैंने कांग्रेस की आलोचना करी है, जो जो पॉलिसी या गवर्नेंस के ऊपर जो मुझे गलत चीजें लगी है मैंने आलोचना करी है, मैंने कंगना रनौत तक जी की भी आलोचना करी है बहुत बारी। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है, स्पेशली जो उनका आईटी, जो उनका पूरा सोशल मीडिया का जो एक इकोसिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा अब जहरीला बन चुका है। मुझे, मैंने कल ये ट्वीट में भी लिखा था और मैं आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहती हूँ, टीवी के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, कि जो उनकी भाषा है और जिस तरीके से वो अटैक करते हैं, जिसको एक इंग्लिश में बोला जाता है साइबर बुलिंग, मैं उसकी एक शिकार रह चुकी हूँ। और जिस तरीके से वो ऑनलाइन एक टारगेट को बुली करते हैं, एक साइबर बुलिंग, एक शेमिंग में एक साथ होके, एकजुट होके किसी एक टारगेट को शेम करते हैं, उसको उसके बारे में अभद्र चीजें बोलते हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद उसके आपने तो और बड़ी बात कह दी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा एक इकोसिस्टम है जो महिलाओं को टारगेट करता है सोशल मीडिया पर। ज़ैनब सिकंदर कह रही हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत तौर अपने अनुभव के आधार पर कह रही हैं, ठीक है, अपने अनुभव, ठीक है। रोशनी कुशल जायसवाल जैसे जुड़े, जल्दी से बताइएगा पी सर। अच्छा, रोशनी कुशल जायसवाल जुड़ चुकी हैं। रोशनी कुशल जायसवाल, देखिए यहां पर अभी तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कंगना रनौत को टारगेट किया गया, यहां तो हमारे साथ आरएलडी की महिला प्रवक्ता कह रही हैं कि भाई कांग्रेस का इकोसिस्टम है, वो महिलाओं को एकजुट होकर टारगेट करता है, क्या कहेंगी आप? ये जो बोल रही हैं, मुझे इसमें कोई भी सच्चाई नहीं नजर आती। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं क्या, जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, जो सारा दिन झूठ फैलाने का काम करती है, जिसे पढ़ पढ़ के अंधभक्त पैदा हो रहे हैं, और वो अंधभक्त हमारे देश के लिए और हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। वो शायद वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चलाती है। जहां तक बात करें कंगना रनौत के ऊपर जो टिप्पणी हुई है, नहीं, कंगना रनौत के ऊपर जो टिप्पणी हुई है, जो सुप्रिया श्रीनेट जी के ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल से बोली है, तो उन्होंने वो साफ कह दिया है कि उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। यहाँ तक कि बड़े जब अकाउंट्स होते हैं तो एक अकाउंट का एक्सेस ना होके कई लोगों के पास एक्सेस होता है, वो कांग्रेस के वर्कर्स होते हैं, तो किसने वो पोस्ट किया है वो इसके पीछे जानकारी लेने में जुटी हुई हैं, और जिसने भी ये पोस्ट किया है उसका नाम जल्द से जल्द आप सबके बीच सामने आएगा। और उन्होंने, जैसे ही उनको पता चला कि ये ट्वीट उनके अकाउंट से हुआ है, उन्होंने तुरंत ही वो ट्वीट डिलीट किया। यही तो बीजेपी पूछ रही है, बीजेपी ने यही तो पूछा है कि ये बताइए कि इनका अकाउंट कहां से एक्सेस हो रहा है, कौन हैंडल कर रहा है कांग्रेस पार्टी का अकाउंट, यही तो वो पूछ रहे हैं। देखिए देखिए, साफ साफ पहली बात तो ये है कि आपका भी अगर अकाउंट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाला है तो जरूरी नहीं है कि आप खुद हैंडल करो, उसके एक्सेस कई लोगों को आप देते हैं, क्योंकि हर घंटे हर मिनट पे ट्वीट्स होते हैं जो कि आपको खुद के लिए करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपका एक्सेस जब किसी और के पास है तो उससे गलती से हो गया है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि किसी महिला के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े अभद्र टिप्पणी कर चुकी है हमारे कांग्रेस के ऊपर, जैसे कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई टिप्पणियां है जो हमारी कांग्रेस पार्टी पे की गई थी, हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर की गई थी। इस पे तो कभी इतने तरीके से डिबेट नहीं हुई। और ये नहीं, आज शायद आप तो आप शायद टीवी नहीं देखती, मैं वो भी लेकर आया हूँ। मैं केवल मंडी में भाव पे बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात तो बताओ पे भी कर रहा हूँ। और शायना एनसी, आज आपको जवाब देना पड़ेगा इस पे। एक मिनट, शायना एनसी का नंबर है। मैम रुकिए, शायना एनसी का नंबर है। शायना एनसी, सुप्रिया श्रीनेत पे तो हम लगातार बात कर रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत पर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप दिलीप घोष पर क्या कहेंगी? दिलीप घोष ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल की एक महिला मुख्यमंत्री के ऊपर विवादित टिप्पणी की, बीजेपी की उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी गलत बयान महिलाओं के प्रति
हमें अनइक्विवोकली, इसका मतलब है महिला पुरुष दोनों को एक ही स्टैंड लेना है, और वो है कि उनके अपमान के साथ साथ जो होता है महिलाओं को स्टीरियोटिपिकल नोशंस कि ये तो फिल्म से आई है तो वो गलत है, ये तो फैशन इंडस्ट्री से आई है तो वो तो गलत कपड़े पहनते हैं, उन्होंने गलत बोला, इसने गलत किया, हमें हमारे काम के आधार पर प्लीज़ जज कीजिए। और जजमेंट इतना गंभीर क्यों है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ये महिला नेत्री है और सुप्रिया श्रीनेत स्वयं एक प्रोफेशनल महिला है, और इसके बावजूद उन्होंने जो बयानबाजी की है आज, मैं मानती हूँ इससे आपत्तिजनक टिप्पणी हो ही नहीं सकती है। तो मैं स्पर्धा में न जाते हुए जरूर कहूंगी ये कहना कि मंडी में क्या रेट चालू है, इससे घिनौना कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैंने तो आपसे सवाल पूछा ही नहीं, मैं आपके चैनल तो दिलीप घोष पे सवाल पूछा कि दो मैंने दिलीप घोष पे सवाल पूछा, मैंने सुना आपका सवाल, मैं आ रही हूँ। आपने इतना मौका दिया, सब लोगों को, तो मुझे भी वो मौका दीजिए। मैंने पहले ही कहा सवाल वही है, कोई भी कमेंट, रुके रोशनी जी रुके, बोलने दीजिए, इंटीग्रेट करके मैंने बोला मैम, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। हम आज तहकीकात और चर्चा किस इशू पे कर रहे हैं कि नफरत, अपमान और महिला का सम्मान, तो मैं इससे मुखरने वाली नहीं। नहीं तो फिर आप शाना एंसी जी, आप ये मानती हैं, आप एक मिनट में रोशनी रुकिए, शाना एंसी जी को बोलने दीजिए, शाना एंसी तो आप ये मानती हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने बोला तब उन्होंने माफी तक नहीं मांगी, उन्होंने तहकीकात तक नहीं किया। 10 मिनट लगते हैं कि आपके ग्रुप में कौन है, आपके पास मेरा सवाल सुन लीजिए भी होती है, महिलाओं के बारे में शाना एंसी मेरा सवाल सुन लीजिए, शाना एंसी आपने दिलीप घोष को सुना, दिलीप घोष ने कोई माफी उन्होंने नहीं मांगी है, मैं आप कह रहे हैं कि टू रॉन्ग डजंट मेक अ राइट, मैं यही पूछ रहा हूं क्या आप जिस कार्रवाई की मांग सुप्रिया श्रीनेत पर कर रही हैं उसी कार्रवाई की मांग क्या आप दिलीप घोष पर भी करेंगी? मैं सुप्रिया श्रीनेत से कार्रवाई और मांग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इससे भद्दा कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती है। अच्छा, और वो स्वयं एक महिला है, आप मुझे बोलिए कि जब हम देश भर में चर्चा करते हैं कि महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए, वहाँ एकजुट एक आवाज में पेश नहीं आना चाहिए आपको? आप मुझे बताएं कि जो आपको लगता है कि हर एक महिला का रेट होता है, और आप एक महिला नेत्री होने के नाते ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये सेम कांग्रेस पार्टी ने जो मुंबई में राहुल गांधी ने शब्द का भी दुरुपयोग किया, जहां हम मैं देखे, मैंने आपको बताया जो मुझे बोलना था कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बीजेपी की प्रवक्ता की वो जो गलत है वो गलत है, वो उसको डिफेंड नहीं कर रही। पहले तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, आज मैं भाग्यशाली हूँ कि आज जितनी भी पैनलिस्ट बैठी है सब महिला है, सब बहन तुल्य और माता तुल्य है हमारे लिए। लेकिन ये अद्भुत पार्टी है भाजपा, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी, जिनके नेतागण जब चाहे स्त्री द्वेषी बयानबाजी कर सकते हैं, स्त्री द्वेषी भाषण दे सकते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, लेकिन कोई ट्वीट नहीं आएगा। आज ये जो बता रही हैं कंगना रनौत जी के बारे में, तो सुप्रिया श्रीनेत जी ने स्पष्टता से सामने आके बहुत ही मुखर होके उन्होंने बोल दिया, उन्होंने माफी मांगी। और जो भी है ये जो अमित मालवीय जी जैसे जो मालवेयर बन के बैठे हैं, माफी मांगी सर, आप सुन लीजिए उनका कमेंट, कहीं माफी नहीं है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन है, कहीं माफी नहीं है, क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन, और वो भी तहकीकात तक नहीं हुई है। आपके लिए बहुत कैजुअल कमेंट होगा, हमारे लिए बहुत गंभीर कमेंट है, और आप जैसे व्यक्ति प्लीज कृपया हमें जस्टिफाई कर, क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए, बहुत बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है, थोड़ा क्षमता रखिए सुनने। मैंने आपको सिर्फ करेक्ट किया, मैंने आपको सिर्फ करेक्ट किया कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है, उन्होंने जिस जस्टिफिकेशन दी है, जी आप अपने पार्टी के लोगों मैंने को कहा उन्होंने सिर्फ जस्टिफिकेशन दी है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, आप उनको करेक्ट करिए कि भाई अपने पिता के बारे में तो सोच लीजिए,
चलिए आप स्पर्धा में जाइए, मैं भी स्पर्धा, शायद संदेश खाली के ऊपर आपको टिप्पणी नहीं करनी है, आपके प्रदेश में जो हुआ संदेश खाली के बारे में आप क्या कहेंगे? आप वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब सब जगह बात करते हैं, डोंट बी सिलेक्टिव एंड डोंट गो इनटू दिस व्हाट अबाउट यू। शाना एनजी, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। शाना एनजी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मानव जायसवाल जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब बातें होती है ना तो हम लोग फिश मार्केट में नहीं है, हम लोग कोई बाजार में बात नहीं कर रहे। और जहां तक सुप्रिया जी की बात है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने पूरा वीडियो देखा है। तो आपने तो पूरा टाइम उन्हीं को डिफेंड करने में लगा दिया। मैं बात दिलीप घोष की कर रहा हूं, आप सुप्रिया सिनेत को डिफेंड करने बैठ के यहां पर, आप उनके प्रवक्ता आए हैं कि आप ममता बनर्जी के प्रवक्ता के तौर पर आए? हो गया आपका, हो गया क्या है, हो गया क्या आपका, हो गया आपका का क्या होता है? नहीं हुआ मेरा, ये सवाल है मेरा और होता रहेगा आपसे। हो गया आपका का क्या मतलब है मानव जायसवाल? मैंने आपसे दिलीप घोष के बारे में सवाल पूछा, आप जा रहे हैं वहां पर सुप्रिया सिनेत, तो आप क्लैरिफाई कीजिए ना कि आप ममता बनर्जी के प्रवक्ता हैं या सुप्रिया सिनेत की पार्टी के प्रवक्ता हैं? हो गया आपका का क्या मतलब होता है? ये कौन सी भाषा है हो गया आपका? सुप्रिया सिनेत के स्टेटमेंट के लिए इतने बड़े बड़े ट्वीट कर सकते हैं, तो दिलीप घोष के लिए इनके मुंह कहां चली जाती है? इनके अरे यही तो पूछ रहा हूं मैं, यही तो मैं बोल रहा हूं। तो हो गया आपका का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन हो गया आपका? सुनिए, आप लोगों का जो चल चरित्र है ना, वो हो गया ही बोलते हैं। तो भाई आपका बात हो गया तो मैं अपनी बात कर लूं। हां तो ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए अच्छा लगेगा आपके ऊपर। आप भी बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको ऐसे ही बोलना चाहिए। पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करनी है वैसे ही बात करिए। पब्लिक डिस्कोर्स में ही मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने घर में बैठ के बात नहीं कर रहा हूं। पूरे देश के सामने मैं अवगत करा रहा हूं कि जो व्यक्ति, जो इनका नेता है, जो संसदीय क्षेत्र में लड़ाई करने वाला है, वो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में है, जिसने बंगाल में ममता का निर्वाह किया है, उसके प्रति आप इतने अनर्गल और अशक्त बयानबाजी करते हैं, स्त्री द्वेष बयानबाजी करते हैं, और इनके कोई भाषणबाजी में कोई अमित भाजपा का ट्वीट नहीं आता है क्या हो रहा है? ये जुबान क्यों गिरती जा रही है पब्लिक डिस्कोर्स में? कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हम दोनों तरफ से देख रहे हैं यही हो रहा है। मैं यहाँ पे दो बातें बोलना चाहती हूँ। पहली बात ये, जैसे कि पहले भी बोल चुके हैं मेरी बहन, कि अकाउंट कहीं ना कहीं बहुत, क्योंकि जिस औहदे पे वो हैं तो उनको अपना पासवर्ड शेयर करना पड़ता है। पासवर्ड शेयर के साथ मुझे ये भी शक है कि कहीं अकाउंट हैक ना हो गया, तो उसका वो जाँच कर रही है। दूसरी बात, शाइना जी को लगता है कि ये चीज़ बहुत कैजुअल है, लेकिन हमारे लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल कैजुअल नहीं है, उनके लिए कुछ कैजुअल होती होंगी। जैसे कंगना का ये टिप्पणी करना कि जो हमें आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है, हमें, हमारे लिए कैजुअल नहीं है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत घिनौनी बात है कि जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जो शहीद है, और उनके लिए आप ये बात कह रहे हैं और उसके बाद आप माफ़ी भी नहीं मांग रहे। वो एक फिल्म फ्रिटर्निटी से आती हैं और वो अपने को पैनल को स्टार को कहती हैं कि उर्मिला मातोंडकर एक सॉफ्ट पॉन है, उसके बाद भी वो बिल्कुल भी माफी नहीं मांगती हैं। तो इस चीज, इस जो ये जो जिस भाषा का कंगना जी हमेशा इस्तेमाल करती हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उनको बचना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि महिलाओं का जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए। ये अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं, चाहे वो महिलाओं की रिब्ड जींस लेकर के हो, कि इन्हीं के एक मंत्री ने बोला था कि महिलाएं रिब्ड जींस पहनती हैं तो माहौल खराब होता है। नहीं, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोली। ये किसी को कह देते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसमें आकर के माफी नहीं मांगते हैं। फिर ये किसी की मां को कहते हैं जर्सी गाय कह देते हैं। नीतीश कुमार ने थोड़े महीने पहले एक स्टेटमेंट बोली थी जिनको लेकर के इन सबको आपत्ति थी, और आज उन्हीं को उन्होंने पार्टी में रख लिया। तो क्या मानवी, 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 तो क्या इसका मतलब है अगर किसी ने पास्ट में कुछ गलत किया है तो किसी दूसरे को अब प्रेजेंट में वो गलत करने का लाइसेंस मिल जाता है? मैंने तभी स्टार्टिंग में बोला कि ये एक अकाउंट हैक भी हो सकता है या फिर उनकी टीम में से किसी को, ना ये जांच का विषय है। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग में पहले ये बोला। ओके 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 ठीक है, नहीं रुकिए रुकिए, अभी रुकिए। ओके, आपने अपनी बात रख दी। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर डॉक्टर मनीषा कायंदे के पास। डॉक्टर मनीषा कायंदे, आपके पास क्या जवाब है मानवी की इस बात का? देखिए, मैं तो सबसे पहले सुप्रिया सिनेत जी का कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, निषेध करती हूँ। ये कांग्रेस की जो मानसिकता है, ये आज से नहीं, पिछले 50 साल से है, और ये बार बार उन्होंने दिखाई है। जब उनका सोशल मीडिया हैंडल करने वाला, अगर वो कहती है किसी और ने किया है, तो उनको अप्रूव करने की तक भी उनको समझ नहीं की कि हमारा हैंडल कोई
ऑपरेट कर रहा है तो हम क्या लिखता है, कम से कम हमको अप्रूव करना चाहिए, बिना अप्रूवल आप डाल देते हो, ये बिल्कुल ही कन्विंस नहीं होता। और ये सुप्रिया श्रीनेत ने जानबूझकर महिलाओं के लिए हमेशा सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रहता है, मुझे इसी बात ये कि समझ सकता है कोई मर्द इस प्रकार की बात करता है, मगर एक महिला दूसरे महिला महिला तो नाम दिलीप घोष में भी बोलिए, दिलीप घोष पे क्या कहना है आपका, आपकी पार्टी के अलाई हैं आप, पार्टी आप जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन के बड़े नेता हैं, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी इनका इस्तीफा लेने वाली है, क्या कांग्रेस पार्टी इस्तीफा लेने वाली है? और मैंने तो नेशनल कमीशन और वुमेन और स्टेट वुमेन कमीशन को भी कड़े शब्दों में लिखा है। डॉक्टर मनीषा कांदे अगर मैं आप अगर अगर आप रुके तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर मनीषा कांदे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी पार्टी की क्यों ना हो, डॉक्टर मनीषा कांदे अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जिस कार्रवाई की मांग सुप्रिया श्रीनेत से के ऊपर कर रही हैं, क्या आप उसी कार्रवाई की मांग अपने गठबंधन के नेता दिलीप घोष पर भी करेंगी? देखिए हर कोई जो महिला का सम्मान नहीं रख सकता ऐसे हर व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो दिलीप घोष पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अकाउंटेबल एंड एवरीबॉडी शुड बी आंसरेबल, दे नीड टू बी अकाउंटेबल, दे नीड टू एक्सप्लेन व्हाट वाज देयर मोटिव बिहाइंड इट। ठीक है, और ये तो सुप्रिया श्रीनेत सरासर रेट पूछ रही है, तो क्या कांग्रेस ने इस प्रकार, उन्होंने भी बहुत विवादित बयान दिया, जितना अभद्र पोस्ट है उतना ही विवादित बयान दिलीप घोष का भी है, शानन से जवाब दीजिए, ये तो कह रही है डॉक्टर मनीषा कांदे कि कोई भी हो जो महिलाओं के खिलाफ बोल रहा है, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बोल रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैंने ये शुरुआत में ही कहा, बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ मुद्दे दो हैं, दिलीप घोष ने कुछ गलत बोला तो मुझे लगता है कि उसके साथ भी हम खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो सुप्रिया श्रीनेत ने बोला इतना भद्दा है कि वहाँ खड़ा छोड़िए, वहाँ चर्चा भी करने लायक नहीं है। जब आप महिला को बोलते हैं कि क्या रेट चल रहा है मंडी में, मैं पूछती हूँ आप महिला नेत्री हैं और आपने माफी तक नहीं मांगी, सिर्फ आपका जो अकाउंटेबिलिटी है, आपके अकाउंटेबिलिटी को लेके कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता है। आप मुझे बताएं संदेश खाली में जो हुआ है उसके लिए यहाँ टीएमसी के नेता कुछ बोल सकते हैं क्या? यहाँ मुद्दा क्या है, महिला के सम्मान को लेके? देखिए मैम आप चीखने चिल्लाने से आपको भी शोभा नहीं देती है और मुझे ऐसे विवाद करने में मजा नहीं आता है। नफरत का सम्मान आप कर रहे हैं, नफरत का सम्मान आप कर रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तो नैया डूब चुकी है। हमारे पास एक सक्षम नेता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने जो किया ताकि महिला शिक्षित सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो, देश की जनता जानती है। जून में जब 4 तारीख को ऐलान होता है ना तो आपको पता चलेगा रिपार्टी इलेक्शन में रिपार्टी बिल्कुल अलग है। यहाँ आपने एक जजमेंट पास किया और वो भी एक महिला, मैम आप एक महिला हो रोशनी, शाइना जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, अभी रोशनी फिर मैं आ रहा हूँ मानवी आराम के पास, पहले शायना जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मुझमें वो हिम्मत है बोलने के लिए कि कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कोई भी पार्टी के नेतागण हो, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर या संदेश खाली में जो हुआ गलत गलत ही होता है। यहाँ हम किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं, क्यों महिला महिला का समर्थन नहीं करती है, क्यों महिला महिला को सम्मान नहीं देती है राजनीति में या कोई अन्य क्षेत्र में भी, क्यों स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि ये तो आई फिल्म जगत से तो वो वाहियात है, उनको कैरेक्टर असैसिनेट करो, उनके कपड़े के ऊपर टिप्पणी करो, उनकी नीति नियत पे टिप्पणी करो। प्रधानमंत्री ने हमें सक्षम किया है ताकि हम अपने काम के आधार पे चुन के आए और वो वोटर तय करेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 4 तारीख को आप को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रोशनी जवाब दीजिए, रोशनी कुछ बोल रही थी। 4 तारीख को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी और उनके ऐठन उनके ईगो को बहुत ज्यादा करारा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता 10 बार एंकर महोदय के द्वारा सवाल पूछे जाने पर भी गोल गोल घुमाती रही टीवी 9 भारतवर्ष की जनता को,
वो सबने देखा है कि ये सवाल का उत्तर देने के बजाय घुमा के सुप्रिया श्रीनेट जी पे ले आ रही थी, तो सुप्रिया श्रीनेट जी का एक भी वीडियो किसी के सामने नहीं आया है कि उन्होंने ये बात कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऐसे कई सारे वीडियोस मेरे पास हैं जो मैं कभी भी दिखा सकती हूँ कि उन्होंने किस तरीके की अभद्र टिप्पणियां की हैं कांग्रेस पार्टी और उनकी महिला नेताओं। रोशनी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं इससे आगे, रोशनी मैं इससे आगे एक सवाल पूछता हूँ। चलिए आप अपनी बात रख रही है, बयान एक पॉलिटिकल कमेंट था, आपने दिलीप घोष का बयान एक पॉलिटिकल कमेंट था, ये फर्क है दोनों में। ठीक है, मैं अच्छा देखिए, मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक मिनट रोशनी 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 रुकिए, मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ चुकी है, मेरे साथ पश्चिम बंगाल की मंत्री जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल की मंत्री जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर शशि पांजा, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। शशि जी, स्वागत है आपका टीवी नाइन भारतवर्ष पर। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। कंगना रनावत पर सुप्रिया श्रीनेत का जो पोस्ट है उसको लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेता ने महिला के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की, हालांकि वो कह रही है कि वो उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया, इस पर आपका क्या कहना है मैम? होना नहीं चाहिए किसी भी महिला के ऊपर इस तरीके की घिनौनी रिमार्क्स या बात होनी नहीं चाहिए, ये सारे भारतवर्ष के लिए अप है और हम लोग खुद ही विक्टिम है। आज दिलीप घोष जो भाजपा के सभापति रह चुके हैं बंगाल में, आज उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महिला मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरीके से अपमानजनक बातें की हैं आप हैरान हो जाएंगे, और ये पहली बार नहीं है, हमेशा करते हैं। ममता बनर्जी को आज जो उन्होंने कहा, ममता बनर्जी से उनके पैतृक माने जिसको कहते हैं कि पिता के परिचय क्या है ये पूछ रहे हैं। अब किस हद तक गिरेगी राजनीति इन शख्स के वजह से, कहां तक गिरेगी? तो प्रधानमंत्री जी, लेकिन शशि मैम इस पे नजर रखिए, शशि पांडा जी से हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है, वो कह रही है दोनों में अंतर है, जो कंगना के ऊपर बयान दिया गया वो बहुत पर्सनल बयान है और जो दिलीप घोष का बयान है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ना, मुझे नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, उनको सम्मान देते हुए ये कर रही हूं, उनको मालूम भी है कि दिलीप घोष ने क्या बोला, आपके पिता के बारे के परिचय में बारे के बारे में पूछे, ये पॉलिटिकल कमेंट लगता है आपको? ये किस ये इसमें पक्ष क्यों ले रहे हैं आप? कोई भी पार्टी हो, कोई भी महिला हो, अगर हम महिला हैं और पुरुष भी, सभी इस तरीके के जो रिमार्क्स हैं इसको खंडन करेंगे, इसमें पक्षपात की कोई जगह नहीं है। आप कौन है जजमेंट करने के लिए? आपके पिता के परिचय में कोई पूछे तो ये आप सहन करेंगे? कोई तो नहीं सहेगा। ये राजनीति में अगर महिला आए इससे नारी शक्ति बढ़ती है, और तो आप लोग चुनाव आयोग के पास गए शिकायत लेकर, उन्होंने क्या कहा? देखते हैं, चुनाव आयोग के पास गए आप लोग, उन्होंने क्या कहा? चुनाव आयोग को चिट्ठी दिया गया है, दिलीप घोष इस बार लोकसभा में खुद एक उम्मीदवार हैं, तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी जो कानून है उसके तहत उसकी तो डिस्क्वालिफिकेशन हम लोग मांगते हैं। उसके लिए कल हमारी डेलीगेशन भी जा रही है, चिट्ठी भी पत्र भी जाएगा और सब कुछ लिखा जाएगा कि क्या क्या बातें उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कहा, वो खुद उम्मीदवार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। शाना एनसी, अब मैं आपके पास आऊंगा, पहले सुना आपने, आप जिसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट कह रही थी उसको पश्चिम बंगाल की मंत्री क्या कह रही है, क्या रिएक्शन है आपके पास इसका? देखिए, मैं यहाँ कोई डिफेंड नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि जब ममता बनर्जी जी कहती है कि वो गोवा की बेटी है या कोई अन्य प्रदेश की बेटी है, तो उन्होंने एक राजनीतिक बयान दिया, मैं उसका समर्थन न देते हुए ये कहना चाहती हूँ, ये दोनों इश्यूज इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। सुप्रिया श्रीनेत ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने जो कहा है एक व्यक्तिगत टिप्पणी के साथ साथ कैरेक्टर असैसिनेशन है। कंगना रनौत के बॉडी पार्ट्स के ऊपर चर्चा करना, ये पूछना कि क्या है उसका दाम मंडी में, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग क्या हो सकता है? आप एक बहुत ही
वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपसे विनंती करूंगी कि जब आप चर्चा कर रहे हैं महिला का सम्मान को लेके, तो ये समझ लीजिए कि कैरेक्टर असैसिनेशन से घिनौना या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना एक महिला के लिए, क्योंकि वो एक जगत से आती है और आप आपका बयानबाजी करना चाहते हैं और एक महिला जो मिट्टी से उठकर आई है और जो देश की इतनी बड़ी पॉलिटिशियन बन गई है उसके खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे कुछ भी, ठीक है मैं आता हूँ। मानवी तनेजा कुछ कह रही है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुना मैंने जो बोला, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मानवी तनेजा कुछ कह रही है, मैं आता हूँ आपके पास। महिला के देखिए महिला के सम्मान की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को से ना ही पूछे या ना ही इस बारे में चर्चा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर महिला के सम्मान की जब भी बात आती है तो ये पहले अपना राज्य देखते हैं, उसके हिसाब से उनका सम्मान होता है, बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच हो जाता है। यहाँ मैं दो उदाहरण देती हूँ। जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में दो महीने के बाद जब वो वीडियो वायरल हुई तो तब लोगों को पता लगा कि मणिपुर जल रहा है, तब ठीक उसी समय इनको इन्हीं के जो नेता है वो चैनल के माध्यम पे जाके वो रोते हैं, निरुपमा रॉय की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि मणिपुर नहीं वेस्ट बंगाल जल रहा है। दूसरा उदाहरण मैं ये देती हूँ क्योंकि मैं फिल्म फ्रेटर्निटी से आती हूँ। जब केरला स्टोरी रिलीज हुई थी तो इनको केरला की बेटी के लिए दिल दुख रहा था कि केरला की बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके लिए बहुत रो रहे थे, लेकिन उसी वक्त धरना दे रही थी जंतर मंतर में बैठ के कि हमारी बेटियां जो मेडल लेके आई है, हमारा देश का नाम रोशन करके आई है, उसके लिए ब्रजभूषण के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया और अभी भी देखो खुलेआम घूम रहा है। तो इनको महिलाओं के सम्मान या महिलाओं का जब दर्द होता है तो सिलेक्टिव अप्रोच क्यों आ जाता है? मानव जायसवाल मुझे ये बताइए, क्योंकि आप अभी भी इंडिया गठबंधन में हैं, अभी जब अरविंद केजरीवाल का मसला आया तो ममता दीदी ने भी वहां भी सॉलिडारिटी दिखाई, क्या आपको लगता है कि जो इस तरह के मोदी के परिवार पर बयान वो देना, बीजेपी की किसी महिला कैंडिडेट के ऊपर पर्सनल इस तरह के अभद्र कमेंट करना, ये आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? पहले तो ये जो चयन हुआ है, जो भाजपा ने जिनको चयन किया है, जो स्टार है, जो उनकी स्टार प्रचारक है, ये तो देश के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने एक माता को बोला था 100-100 रुपए की बिकने वाली ये प्रचारक हैं, इन्होंने हमारे जो किसान है उनको खालिस्तानी बोला था, इन्होंने बहुत सारे अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया है, इनका टोटल इनको ट्विटर से भी बैन कर दिया गया था, उनको बीजेपी रिवॉर्ड करती है। ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है ना, ये भ्रष्टाचारियों को रिवॉर्ड करेगी, ये जो देश में अनर्गल बयानबाजी करे, देश के टुकड़े टुकड़े करे, उनको रिवॉर्ड करेंगी। ये जो पार्टी है, मोदी जी का जो परिवार है, वो पूरे देश के परिवार में विविधाभास लगाना चाहता है, पूरे देश में एक बंटवारे का वातावरण तैयार करना चाहता है, ये उनको टिकट देते हैं। और जहां तक शाजिया जी की बात होती है ना, वो बार बार संदेश खाली की बात करते हैं, मणिपुर भूल जाते हैं, लेकिन संदेश खाली के लिए हम दायित्व है। नहीं, लेकिन ये इशू बनता है क्या चुनाव में? सर, मैं आप जो बात कर रहे हैं, जैनब सिकंदर, मुझे ये बताइए, महिलाओं के सम्मान को लेकर हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन ये क्या ये इशू बनता है क्या जैनब? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं इशू बनता है। जो हमारी देश की महिलाएं हैं, अब तो वो उनकी मतदान में उनकी ज्यादा तादाद हो गई है, तो औरतों की इज्जत तो अब एक एक्चुअल टॉपिक बन गया है, इलेक्शन टॉपिक है। इसलिए आजकल आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोग नारी शक्ति और औरतों के सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैंने इससे पहले भी बोला था, कंगना रनौत की मैं आलोचक रही हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि जब वो दूसरी एक्ट्रेसेस का मजाक उड़ाती हैं या किसी के बारे में कुछ बोलती हैं, मैंने उस पर एक कॉलम भी लिखा था। लेकिन आप एक बात समझिए, अब वो एक लोकसभा कैंडिडेट है और सुप्रिया श्रीनेत जी एक बहुत बड़ी नेता है, मैं उनका भी बहुत मान करती हूँ और मैं मानती हूँ कि वो आके उन्होंने स्पष्टता से बोला कि शायद किसी और ने मेरे अकाउंट से लिखा है। बट आप इमेजिन कर सकते हैं, इतनी बड़ी स्पोक्स पर्सन के हैंडल से इतना एक अभद्र टिप्पणी लिखी गई है, और इसमें और कोई और जो और सवाल पूछ रहा हूँ, इसका चुनाव में क्या असर होगा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ जी। कांग्रेस में यही कांग्रेस की जो अभी ये जो प्रवक्ता है वो रटे रटाए जवाब, मुझे वो बोल रही है एक अंधभक्त, क्यों बोल रही है वो मुझे अंधभक्त? एक नारी होने के नाते आप में इतना डेकोरम और कर्टसी होनी चाहिए कि आपके पैनल पे एक फेलो लेडी बैठी हुई है और आप उसको अंधभक्त क्यों बोल रही है रोशनी? आप इस भाषा की जरूरत ही क्या है आपको? आपको इस भाषा का प्रयोग करने की जरूरत ही क्या है? व्हाई आर यू इंसल्टिंग मी?
जब सुनिए आपको अपनी एक पर्सनल बात बता रही हूँ जो मेरे साथ ट्विटर पे हो चुकी है। मैं 7 साल से एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। आपने बिना किसी प्रूफ के कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश क्यों की? आपने किसी प्रूफ के बिना मुझे अंधभक्त बुलाने का, इन्होंने मुझे फॉलो किया है पिछले 7 साल से, दशरथ माय वर्क, इनको पता है मैंने क्या कॉलम्स लिखे, इन्होंने मेरा करीब पढ़ा है, आपको आइडिया भी है मेरा काम क्या है इससे पहले, तो आप मुझे किस नाते से अंधभक्त बुला सकते हैं? आप मुझे किस नाते से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? मेरी टिप्पणी मेरे पर्सनल अनुभव पे रही है। मैं जब आपको बोलती हूँ तो कांग्रेस ने मेरे ट्विटर करने के लिए खुद भी कह रहे हैं कि क्या, अरे मुझे, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ और आप मुझे पहले में गलत हो अपना पर्सनल अनुभव बताने में। जब मैंने किसी बात पे रोशनी जायसवाल रुके, जैनब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं रोशनी के पास जाऊंगा, मुझे लगता है क्लैरिटी आनी चाहिए। जैनब आप अपनी बात पूरी कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं अभी इनको इसलिए मैं इनको टोकती भी नहीं, मैं उस तरीके की महिला नहीं हूं कि मैं एक दूसरी महिला को एक नेशनल टीवी पे मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करूं या मैं उसका अपमान करूं, लेकिन ये रटे रटाए जवाब, मैं आपको अपना व्यक्तिगत, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग स्टेटमेंट में बोला मैं 7 साल से एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूं, और आप ये ट्विटर पे जाके मेरा नाम देख के मेरे ट्वीट लिख के प्लीज डोंट स्पीक ओवर मी, हैव मैनर्स, यू कैन हैव योर टाइम, कंप्लीट मैम, लेट हर कंप्लीट। जनाब अपनी बात कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड में, जनाब अपनी बात 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। कर रही हूं, आप मुझ पे पर्सनल क्यों हो रही है? मैं इसी इकोसिस्टम की बात कर रही हूं कि ये आप लोगों में गलत है। आप लोग बोलते हैं ना बीजेपी अभद्र है, बीजेपी अभद्र टिप्पणियां करती है, तो आप लोग सेम चीज नहीं कर रहे। आप लोग कौन सा अल्टरनेटिव दिखा रहे हैं अपना? आप लोग क्या दिखा रहे हैं? आप लोगों में क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल से तो आप लोग ज्यादा टॉक्सिक है। आप लोगों के जो जवाब दे देते हैं, प्लीज कोई ट्वीट उठाइए और उसमें नीचे जनाब जवाब दे लेते हैं। आप लोग कितने अभद्र भाषा में मुझे लिखते हैं। जनाब जवाब दे लेते हैं, अब जवाब दे लेते हैं, ठीक है रोशनी, फिर मैं आऊंगा। सबसे पहले इन्होंने बिना किसी प्रूफ के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की टिप्पणी की। अपना माय ट्विटर अकाउंट, नहीं अपना अनुभव, जनाब उनको बोलने दीजिए, जनाब उनको बोलने दीजिए। मैंने भी अपना अनुभव बताया कि मुझे आप अंधभक्त लगी आपके कमेंट से, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के आई हैं और आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अंधभक्त नजर आ रही हैं। दिस वाज माय जवाब कमेंट। लेकिन आप पर्सनल क्यों हो रही है रोशनी? रोशनी आप पर्सनल क्यों हो रही हैं? मैं आपको कुछ पर्सनली बोल रही हूँ। रोशनी आप पर्सनल क्यों हो रही हैं? मैं एक स्पोक्सपर्सन हूँ आरएलडी टीवी। नहीं मुद्दे पे बात करिए, आप पर्सनल क्यों जा रहे हैं? मुद्दे पे आप बात करिए, इतना बुरा नहीं, आपको कोई बात नहीं, बुरे की बात नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ आप लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं है। आप एक जवाब ही नहीं है बट एज अ फीमेल पुलिस, ठीक है, मैं रोशनी, ठीक है, ओके जनाब ओके रोशनी पर्सनल हुआ बिना आप जवाब दे सकती हैं? आप किसी पैनलिस्ट का पर्सनल हुआ बिना इस बात का जवाब दे सकती हैं? एब्सोल्युटली, थैंक यू। देखिए सबसे मैं अभी पूरी, मैं इन्होंने बोला मैं सुन रही थी, ठीक है, अब मैं बोलूं। हाँ ठीक, सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए इन्होंने अपना व्यक्तिगत टिप्पणी जो दिया मुझे वो कहीं से सही नहीं लगा, तो मैंने भी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी दी इनको लेके, ठीक है, बात वहां पे खत्म हो गई। दूसरी बात, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कांग्रेस पार्टी इतने बड़े बड़े अभियान चला रही है, इंडियन यूथ कांग्रेस शक्ति सुपर शी चला रही है पूरे भारत में महिलाओं को एनकरेज करने के लिए, महिलाओं की दुविधाओं को सुनने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने और अब महालक्ष्मी आप ही की अलाई है वो बोल रही है, फिर 30 सेकंड आपके पास आता हूँ। मनीषा जी जल्दी कुछ बोलना है। मनीषा जी 30 सेकंड अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, एक महिला के खिलाफ अन्यायकारक बिहेवियर करते हैं और ये न्याय यात्रा निकालते हैं।
उनको शोभा नहीं देता। अगर कांग्रेस है तो अपने इस सुप्रिया श्रीनेत को उनको पार्टी से निकालने की ओके मनीषा जी ओके हिम्मत रखते हैं। ओके शाना जी, अब आपका आपका टर्न। मानव जी आऊंगा अगर टाइम बचता तो। देखिए देखिए, आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बयानबाजी की है शक्ति को लेके हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे नेता ने क्या किया है, हमको सशक्त किया है, ये है फर्क। सशक्त किया है, हमें इतने योजनाएं दिए हैं कि हम आत्मनिर्भर हो, हम सुरक्षित हो, हम शिक्षित हो, हमें मुद्रा बैंकिंग हो, जनधन हो, उज्ज्वला हो, सौच हो, घर हो, हमारा स्वास्थ्य है। वहां उन्होंने कितना हमें आत्मनिर्भर किया। आपके नेतागण के पास कोई योजना है ही नहीं, कोई विजन प्लान है ही नहीं। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को लेके क्या किया? ओके मैम, समय खत्म हो चुका है। ओके ठीक है, सशक्त किया उनको, आत्मसम्मान दिया। समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। नेतागण और नेतृत्व राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कीजिए।